कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान, कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन टेस्ट टॉपर की आंसर शीट है ना, मेरी बेस्ट स्टूडेंट की आंसर शीट है ना। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो देखो, प्रश्न क्रमांक एक का गा उत्तर आएगा वारकर, दूसरे का ग आएगा 9 दिसंबर 1946, ख आएगा वाइमर संविधान जर्मन, चौथे का घ आएगा भारत, पांचवे का फिर क आएगा 12। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दो के पहले का उत्तर आएगा क्षमा, दूसरे का आएगा 500, तीसरे का आएगा स्थाई, चौथे का 25, पांचवे का 7वीं। प्रश्न क्रमांक तीन, सही जोड़ी आपकी है ना। पहला, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है, तो लॉर्ड रिपिन की देन है, क्लियर। इसके बाद दूसरा, किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग। जो मुसलमान लोग जो थे देश आज़ाद होने के पहले, मुस्लिम लीग जो थे, उन लोगों ने ही पाकिस्तान को विभाजित किया था और संविधान सभा की बैठक में आने से मना कर दिया था। किस देश का संविधान अलिखित है, भारत देश का संविधान लिखित है, इसको हाथ से लिखा गया है, जिससे मैं आप लोग के लिए कॉपी हाथ से लिख लिख करके भेज रहा हूँ ना, उसी प्रकार भारत देश का संविधान भी लिखा गया है। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड ब्रिटेन बातें की है ना, उसका संविधान हाथ से नहीं लिखा गया है। अब मिल ने एक व्यक्ति का सूत्र दिया है ना। अब पांचवा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अर्थ क्या है, सभी मंत्रियों को त्यागपत्र। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं है ना, तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र उसको माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक चार के पहले का उत्तर, संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन मिंटो थे। लॉर्ड माउंटबेटन, इसी लॉर्ड माउंटबेटन, ये बहुत बेकार सारा नीच बिल्कुल है ना, लॉर्ड माउंट अंग्रेज पूरा भारत देश को लूट पाट के खा गए, किन लोग ने, अंग्रेज लोग ने, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन के कारण ही भारत देश का विभाजन हुआ था और बहुत सारी मतलब की दिक्कत आई थी, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज था। दूसरा, दूसरे का उत्तर, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। तीसरा का उत्तर, काम का अधिकार संविधान के भाग 3 में रखा हुआ है। चौथा उत्तर, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पांचवा उत्तर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पांचवा उत्तर, संविधान सभा की जो क्या हो गया इसमें, पांचवा कहाँ गया रे, पांचवा उत्तर, संविधान सभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समिति में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधव मेनन सदस्य थे, जबकि भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न छः का उत्तर, ग्राम पंचायत की अनुसूची 11 के कार्य निम्नलिखित है, कृषि, कृषि विस्तार शामिल, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वय, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी। प्रश्न सात का उत्तर, भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि राज्यों का एक संघ है। प्रश्न आठ का उत्तर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र हो, इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुसूचित तरीके से प्रभावित नहीं, यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न उपाय करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होनी चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। वह न्यायपालिका विधानमंडल कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नौ का उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन की विधि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को दे देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व मध्याह्न से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप से दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। निर्वाचन के लिए यदि एक या अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकते हैं, यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत होता है, और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तो मतदान कराया जाता है। मतदान में लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, अतः उसका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में आने से पूर्व ही उसकी नियुक्ति होती है। उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। उसके कार्य निम्नलिखित है। पहला, प्राइम मिनिस्टर देश के राजनीतिक दल का नेता और सांसद के बहुमत दल का नेता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह जनता का प्रिय हो और प्रभावशाली व्यक्ति हो। दूसरा, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। तीसरा, यह विभिन्न भागों में मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारण करता है। इसका सबसे प्रमाण यह है कि उसके प्रधानमंत्री में सरकार उसी की कहलाती है। चौथा, राज्य के बहुत से ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। ये पूरा मैंने आप लोग को समझा चुका हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, है ना। अभी मैं आप लोग को समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग का पेपर है ना, तो मैं समझाती हूँ आप लोग को बताता कक्षा। हाँ, चैनल के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोग को। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 11वीं आर्ट्स MP बोर्ड हिंदी मीडियम, है ना। यदि आप MP बोर्ड के विद्यार्थी हो, MP बोर्ड के लिए अभी कोई भी पर्टिकुलर चैनल यूट्यूब पर नहीं है, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपना ज्ञान बच्चों लोग को दूं। मैं ऑफलाइन कोचिंग पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना। 9वीं 10वीं का मैं टॉपर रह चुका हूं, साथ साथ में UPSC MPPSC की तैयारी कर रहा हूं, है ना। मेरा DEd क्वालिफाई है, CTET क्वालिफाई है। मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं की भूगोल, कक्षा 11वीं की अंग्रेजी, कक्षा 11वीं की संस्कृत, कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, है ना, जितना भी विषय है पूरा का पूरा राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, पूरा कक्षा 11वीं का मटेरियल मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ पिछले वर्षों के आंसर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी ना मैंने सब विषय के 100-100 अभी तो आप लोग ओपन बुक घर से दे रहे हो, लेकिन वार्षिक परीक्षा में क्या होगा बच्चों कि आप लोगों को ना स्कूल में बैठ करके पेपर देना होगा, तो आप लोग को उसके लिए याद करना पड़ेगा। अब उसी लिए मैंने क्या किया हूं, मैंने हर विषय के 100-100 IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ। अगर आप उतने क्वेश्चन याद कर लोगे अभी तो वो आप वार्षिक परीक्षा की आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। इसलिए आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन अभी इस साल पूरा फ्री है, है ना। आने वाले साल से आपके लिए पेड सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन इस बार से आपका सब्सक्रिप्शन के साथ पूरा फ्री है। संकट के समय PM का अधिकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। देश के राजनीतिक दल का नेता तथा संसद के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। अब प्रश्न 11 का उत्तर, है ना। वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अपने भारत देश में भी अपन लोगों ने अंग्रेजों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, है ना, तब जाकर के अपन को ये प्राप्त हुआ था। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से मिले और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मूल्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार हो। अब प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखेंगे यहाँ पर हम। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर।
हम भारत के लोग, भारत को यहाँ पर आपको संविधान की प्रस्तावना दी गई है ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब हम भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक है, हम का वर्ल्ड यहाँ पर है। संविधान, ये संविधान की प्रस्तावना है। संविधान क्या होता है, जैसे कि आपके घर में आपके नियम कानून कौन बनाता है, आपके मम्मी पापा बनाते हैं ना, कितने बजे घर आओगे, यहाँ कोचिंग जाओगे, ये करोगे वो करोगे, इतने घंटे मोबाइल चलाओगे। इसी प्रकार देश में जितने भी नियम बनाए जाते हैं, देश में जितने भी कानून बनाए जाते हैं जिनसे देश चलता है, जैसे कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है, पुलिस वालों के अधिकार क्या होते हैं, कलेक्टर क्या काम करता है, पटवारी क्या काम करता है, इन सभी नियम कानून की किताब को संविधान कहते हैं। तो संविधान किताब की जो प्रस्तावना है अपन उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो होता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न रहे, हर व्यक्ति अच्छा रहे। समाजवादी मतलब कि हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि भैया कि किसी एक ही लोग की चल रही, ऐसा नहीं। समाजवादी का मतलब जो होता है कि सभी लोग रहेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब जो होता है कि सब धर्म को बराबर रूप से देखा जाएगा। जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, किसी भी धर्म को हर धर्म का आदर करना पड़ेगा, हर धर्म की इज्जत करना पड़ेगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का मतलब जो होता है, पहले राजतंत्र होता था। राजतंत्र में क्या होता था बच्चों, कि एक राजा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में ये होता है कि अब जो राजा रहेगा अपने भारत देश का, उसको जनता खुद चुनेगी। और देखो हर 5 साल में चुनाव होते, आप लोग वोट डालने जाते हो ना, उसको अपन लोकतंत्र कहते हैं। गणराज्य, बाकी आप लोग को समझाने के लिए तो मैं यहाँ पर मैं बैठा ही हूँ, अभी मैं समझाता नहीं हूँ, अभी मैं आप लोग को खाली पढ़ करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लो, है ना, क्योंकि आपका भी पेपर है ना। बाकी आप लोग को समझना है तो उसके पूरे 11वीं क्लास के लेक्चर, ये कोचिंग है भैया आपकी, ये कोचिंग है ना, ये आपकी ऑनलाइन कोचिंग और ऐसी कोचिंग है ना। आप लोग ने भी कोचिंग स्टूडेंट में इतना रुपये जमा करके आए हो, लाखों करोड़ों रुपये है ना, लाखों रुपये, हज़ार रुपये है ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा मटेरियल पूरा फ्री दूंगा है ना इस वर्ष है ना, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। अगला तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा उत्तर, देखो भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। उत्तर, भारतीय संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा लिखित और कठोर संविधान, चौथा स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग के बहुत से कार्य होते हैं जो कि उनसे करने होते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव राज्य व्यवस्था और लोकसभा चुनाव राज्यसभा और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव। आयोग कार्य ही स्कूल को एक सही रूपरेखा, उनको जो चुनाव होते हैं उनको कराया जाता है। चुनाव आयोग का दायित्व है, और वर्तमान में जो सरकार होगी उसका दायित्व भी है, चुनाव आयोग जो होता है वह होता है, यानी कि उस पर किसी भी तरह सा कोई दबाव नहीं होता, वह इसके साथ साथ जितनी भी वोटर का सत्यापन होता है वह भी उसका मुख्य कार्य नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का उत्तर, अब ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना, ठीक है ना, क्योंकि आखिर में आपको समझा तो अभी इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, हाँ अभी तो इतना ही है ना, है ना, इसके आगे का वीडियो जल्दी जाएगा आप लोग के लिए, है ना, ठीक बच्चों, है ना, पढ़ाई करो, है ना।